क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट में क्वेश्चन देखना तो क्या कर रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 4/5 गिवेन है और कॉस बी इज इक्वल टू गिवेन है 5/13। तो यहाँ पे देखना तो ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए एंड बी बोथ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखना तो हमें साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो क्या क्या जरूरत है। तो साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला लिखा हमने, तो दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन हमें गिवेन क्या है, तो देखो तो साइन ए गिवेन है, तो कॉस बी गिवेन है, लेकिन हमें कॉस ए गिवेन नहीं है, साइन बी गिवेन नहीं है। तो अब फिर कॉस ए और साइन बी की वैल्यू हमें अब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जब साइन ए सिंसियर साइन ए इज इक्वल टू 4/5 गिवेन है, तो इससे निकलेगा कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू यहाँ पे 3/5 कर लेंगे हम, ट्रायंगल रूल फॉलो करेंगे, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर पी इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5, श्योर बेस इज 3, तो कॉस ए इज इक्वल टू 3/5, और ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, इसका मतलब कॉस ए की जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। सिमिलरली अब हमारे पास कॉस ए मिल गया, साइन बी चाहिए, तो कॉस बी गिवेन हियर, कॉस बी इज इक्वल टू 5/13, तो साइन बी निकालने के लिए साइन बी इज इक्वल टू 12/13 होगा, क्यों, इसमें अगर ट्रायंगल रूल फॉलो करते हैं हाइपोटेनस रूल, तो कॉस बी इज गिवेन, बेस इज गिवेन एंड हाइपोटेनस इज गिवेन, तो परपेंडिकुलर इज 12 शोर हियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 12 परपेंडिकुलर बाय बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया हमें, साइन बी मिला, तो जो रिक्वायरमेंट है सारा वैल्यू हमें मिल गया। तो पुट कर देंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए, साइन ए की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 4/5 इंटू कॉस बी, कॉस बी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 5/13 प्लस कॉस ए, कॉस ए भी हमें मिल गया, कॉस ए इक्वल टू 3/5, सारा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, इंटू हमें साइन बी चाहिए, तो साइन बी भी मिल गया हमें 12/13, साइन बी इज इक्वल टू 12/13। तक 20/65, 36/65 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56/65। ये समझ में आया सर, ए हमें साइन ए प्लस बी की फार्मूला से साइन ए प्लस बी की वैल्यू मिल गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तो पहला क्वेश्चन का दूसरा बीट देखना, तो दूसरा बीट क्या बोला जा रहा है, कॉस ए माइनस बी की जो वैल्यू हम निकालने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ भी फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए भी जानते हैं हम, पहला की कंडीशन से ही निकालेंगे, साइन ए जाना तो कॉस ए भी निकल गया, तो कॉस ए इक्वल टू 3/5 इंटू कॉस बी, कॉस बी तो गिवेन है 5/13, तो 5/13 लिख देंगे फर्स्ट नंबर से, इसी प्लस में साइन ए, तो साइन इक्वल टू भी गिवेन है 4/5, 4/5, तो साइन बी हमें चाहिए, साइन बी हमने निकाला था यहाँ पे, साइन बी इक्वल टू 12/13, 12/13, तो ये कितना निकल जाएगा, 15/65 प्लस 48/65, दोनों को ऐड करेंगे तो 63/65 आएगा, ये आंसर है जस्ट।
कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकल गया। तीसरा बिट देखेंगे टैन ए माइनस बी की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो टैन ए माइनस बी की फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, टैन ए माइनस टैन बी बाई वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो टैन ए इज इक्वल टू गिवेन है, अब देखो यहाँ पर टैन ए चाहिए था टैन बी चाहिए था, लेकिन हमें तो पता चला है साइन ए कॉस ए, तो टैन ए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पहले यहाँ पे नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला पेज में साइन ए इक्वल टू फोर बाई फाइव गिवेन था, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू फोर बाई फाइव, एंड गिवेन था कॉस बी इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन, कॉस बी इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन। तो हमने साइन ए पता था तो कॉस ए भी निकाला था, तो कॉस ए इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव निकाल लिया था, जब कॉस बी पता था तो साइन बी निकाला था, तो साइन बी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई थर्टीन निकाला था। अभी जब साइन पता है कॉस पता है तो टैन ए निकाल देंगे ना, टैन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, तो फोर बाई फाइव अपॉन थ्री बाई फाइव कट के आ जाएगा फोर बाई थ्री इक्वल टू टैन ए। फिर साइन भी पता है कॉस भी पता है तो टैन बी निकाल लेंगे, टैन बी इक्वल टू साइन बी बाई कॉस बी, तो ट्वेल्व बाई थर्टीन अपॉन फाइव बाई थर्टीन ट्वेल्व बाई फाइव आ गया, हमें टैन बी निकल गया। अब सिंस हमें क्या मालूम करना था, यहाँ पे ध्यान दोगे टैन ए माइनस बी मालूम करना है, तो टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी बाई वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ये होता है। तो टैन ए, टैन ए इक्वल टू हम लिखेंगे फोर बाय थ्री माइनस टैन बी, टैन बी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव अपॉन वन प्लस, फिर से लिखेंगे टैन ए इज इक्वल टू फोर बाय थ्री इंटू टैन बी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिफ्टीन ट्वेंटी माइनस थर्टी सिक्स बाई फिफ्टीन प्लस फोर्टी एट अपॉन फिफ्टीन, ऐसा आ जाएगा। तो ऊपर में देखो तो ये माइनस सिक्सटीन हो जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा सिक्सटी थ्री हो जाएगा, ये आंसर माइनस सिक्सटीन बाई सिक्सटी थ्री ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टैन ए माइनस बी ये हमने देखा था पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट देखा, साइन ए प्लस बी की वैल्यू देखा, फिर दूसरा है कॉस ए माइनस बी की वैल्यू देख रहा, फिर तीसरा है टैन ए माइनस बी की वैल्यू देखा, फिर दूसरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना। तो पहला क्वेश्चंस में ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन दूसरा क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चंस है लेकिन यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन गिवन है ए की वैल्यू पाई बाई टू से पाई तक है और बी की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू तक है, इसका मतलब ए कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है और जीरो से पाई बाई टू तक में बी, ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये चीजों पे ध्यान देना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब हमें टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना। तो इससे पहले कंडीशन लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या क्या गिवेन है पहले नोट डाउन करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू वन बाई टू गिवेन है, सिंस देखो साइन ए इज इक्वल टू वन बाई टू गिवेन है, फिर कॉस बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू गिवेन है, कॉस बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू गिवेन है, और ए के बारे में बोला जा रहा है ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू से पाई तक में, ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू टू पाई, और बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो टू पाई बाई टू, ऐसे गिवेन है ना, बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो टू पाई बाई टू। अब यहाँ पर देखोगे हमें टैन जो निकालने की जरूरत है, टैन ए माइनस बी या टैन ए प्लस बी हमें निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है टैन ए प्लस बी निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन टैन ए माइनस बी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन टैन ए प्लस बी निकालना है तो हमें टैन ए प्लस बी की फॉर्मूला तभी देखा ना, यहाँ पे क्या होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, अभी जस्ट देखा हमने टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी की फॉर्मूला। तो देखो तो टैन ए चाहिए बट गिवेन हियर ओनली साइन ए, तो साइन ए निकालने के लिए कॉस ए भी तो हमें चाहिए ना, तो कॉस ए इक्वल टू ट्रायंगल रूल अगर फॉलो करते हैं यहाँ पे तो ट्रायंगल रूल से निकालने के लिए कॉस ए की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं साइन ए इज इक्वल टू वन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज
तो सिर्फ बेस इज इक्वल टू रूट थ्री आएगा, बेस इक्वल टू रूट थ्री हो गया, तो कॉस ए इज इक्वल टू, हम कॉस नहीं निकालते, डायरेक्ट टेन की वैल्यू लिख लेते हैं, ट्रायंगल रूल का फॉलो करा तो टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया वन अपॉन रूट थ्री आ गया। लेकिन यहाँ पर जानना ए किस क्वाड्रेंट में है, ध्यान देना, तो एंगल ए किस क्वाड्रेंट में है, एंगल ए इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और इन सेकेंड क्वाड्रेंट टैन जो होता है निगेटिव होता है, तो टैन निगेटिव होता है तो टैन की जो वैल्यू मिलेगा हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू मिला, इसलिए हम लोग निगेटिव वैल्यू होने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टैन ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री ए निकला, क्योंकि ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है। फिर टैन बी की रिक्वायरमेंट हमें है, टैन बी निकालने के लिए कॉस भी पता है, तो कॉस भी जब पता है तो इसके भी ट्रायंगल रूल फॉलो करेंगे, यानी कि बेस हमारे पास तो पता है रूट थ्री और हाइपोटेन्यूस पता है टू, तो श्योर है कि हमें ए परपेंडिकुलर तो वन ही आ जाएगा, तो कॉट बी इज इक्वल टू टैन ए, सॉरी कॉस बी पता है तो टैन बी इज इक्वल टू, टैन बी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, tan b is equal to base by perpendicular होगा क्या, नहीं perpendicular by base one by root three, लेकिन ये किस quadrant में है, first quadrant में, तो ये positive value ही बताएगा, तो देखो जिससे हमारे पास तो zero zero answer आ जाएगा, नहीं क्या tan a plus b is equal to tan a, tan a के जगह value put कर देंगे minus one by root three, और tan b के जगह पर लिख देंगे plus one by root three, लो ये तो जीरो रिजल्ट आ जाएगा, तो वन माइनस माइनस वन बाय रूट थ्री और माइनस वन बाय रूट थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखने से क्या ऊपर जीरो और नीचे कुछ भी रहने से तो रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा, टोटल जीरो, टैन ए प्लस बी की वैल्यू जीरो। दूसरा इसमें दूसरा बीट क्या कह रहा है कि टैन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना, टैन ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट बीट निकल गया, दूसरा बीट क्या है, टैन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना, तो टैन ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, टैन ए माइनस टैन बी बाई वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, देखना टैन ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री निकला, पुट कर देते हैं, टैन बी इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री प्लस में, लेकिन माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस वन बाय रूट थ्री बाय वन प्लस ए माइनस वन बाय रूट थ्री इंटू वन बाय रूट थ्री, माइनस टू बाय रूट थ्री हो गया ये, और इसे हम ऐड के सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा, देखो रूट थ्री थ्री आ जाएगा, तो थ्री और माइनस वन, थ्री माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस टू बाय रूट थ्री इंटू थ्री बाय टू, तो टू टू कट जाएगा, तो ये माइनस रूट थ्री हो जाएगा, तो हमें टैन ए माइनस बी की फार्मूला वैल्यू मिल गया है, ठीक है।